अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अमीर अली शहजाद। आज के टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इसके साथ हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और इन कंपोनेंट्स को यूज कैसे किया जाता है और उन्हें इनके बारे में जो आज डिस्कशन हम करेंगे। तो डेस्कटॉप क्या है और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और जब उसे इंस्टॉल किया जाता है तो उसके डेस्कटॉप के ऊपर डिफरेंट आइकन्स, फोल्डर्स, स्टार्ट मेन्यू और इंडिकेटर्स आपको जो है वो नजर आते हैं। वो तो कौन कौन से हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या है? क्या डेस्कटॉप इज अ लार्ज ब्लैंक एरिया दैट एक्ट्स सोर्स ऑफ लाइक यूअर वुडन और मेटल। डेस्कटॉप इट इज ऑलवेज देयर एंड इट इज वेयर यू पुट वेदर यू आर वर्किंग ऑन एट द मोमेंट। डेस्कटॉप की जो है वो एक ऐसा वर्किंग एरिया है विंडोज का, जिसके एग्जांपल दी गई है कि पढ़ाई जो काम करता है तो उसका मेटल का या वुडन का वो टेबल है जिसके ऊपर वो वर्किंग करता है, अपने औजार वगैरह इस्तेमाल करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के एनवायरमेंट में काम करते हुए ये वो एरिया है डेस्कटॉप, जहाँ पर मुख्तलिफ फोल्डर्स, आइकन्स, कंप्यूटर में एंटर होने के लिए स्टार्ट का मेन्यू और नीचे टाइम, इंटरनेट का कनेक्शन, जिन्हें हम मुख्तलिफ किस्म के और ऑप्शंस पाए जाते हैं जिन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं, वो मौजूद होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी प्रोफेशनल डिस्प्लेज अ नंबर ऑफ आइकन्स दैट अलाउ अस टू एक्सेस डिफरेंट एप्लीकेशन, फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स एंड मेनी अदर प्रोग्राम्स। कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कोई भी हो, उसके डेस्कटॉप जो है उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एप्लीकेशन के जो लिंक बने होते हैं, मुख्तलिफ फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं और दूसरे प्रोग्राम्स हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जैसे रिसाइकल बिन है, माई डॉक्यूमेंट्स है, नेटवर्क प्लेसेस हैं या मुख्तलिफ फोल्डर्स जो है, माई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है और इस तरह के दूसरे फोल्डर जो हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उस यानी विंडोज का ऐसा इन्वायरमेंट जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के हम एक्टिविटीज करते हैं और मुख्तलिफ लिंक्स होते हैं प्रोग्राम्स के, फाइल्स के, फोल्डर्स के, उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। तो विंडोज एक्सपी या कोई भी विंडो जो है वो उसके मुख्तलिफ वर्जन में वो हमें मुख्तलिफ किस्म के जो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिस पे हम मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर पे वर्क करते हुए उनको इस्तेमाल करते हैं। विंडो एक्सपी हैज as well as previous version of Windows create a working environment for your computer that parallels the working environment at home or in the office. In similar fashion, Windows assigns properties to every object on its desktop. यहाँ पे एक अहम बात ये भी है कि मुख्तलिफ किस्म के जो आइकन्स हैं या फोल्डर्स हैं या प्रोग्राम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमें मुख्तलिफ किस्म की जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो डेस्कटॉप है एक्चुअली वो उन तमाम प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, उनकी प्रॉपर्टीज को भी वहां पे सेट किया जाता है। हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप की। तो कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप में सबसे पहले हमारे सामने जो मोस्ट बॉटम लेफ्ट साइड पे एक बटन होता है जिसे स्टार्ट बटन कहते हैं हम, और अब जो लेटेस्ट विंडो 8 है या विंडो 10 है उसमें ये एक विंडो का जो है एक पिक्टोरियल टाइप या एक पिक्चर बनी होती है। स्टार्ट का बटन के ऊपर स्टार्ट नहीं लिखा होता, वो एक विंडो की पिक्चर बनी होती है, उस पर क्लिक करने से मुख्तलिफ मेन्यूज ओपन होते हैं। तो कंपोनेंट्स में सबसे पहले हम स्टार्ट की बात करेंगे। द स्टार्ट बटन इज द वे दैट यू प्रोबेबली स्टार्ट 99% ऑफ द थिंग्स यू डू इन विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल। यू कैन क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन टू डिस्प्ले द स्टार्ट मेन्यू, देन यू कैन
point to any option that has a right pointing triangle next, A to it, C, some menu, and click on the program that you want to open. Desktop के जो component है उसमें सबसे अहम जो button है वो start का button है, और तकरीबन जितनी भी activities, कोई program open करना हो, कोई folder open करना हो, computer के setting करनी हो, control panel में जाना हो, computer में जो कुछ install है उसको view करना हो, और जितनी भी options हैं main कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है जो प्रोग्राम उनको व्यू करना हो, तो हम ये 99% जो बाकी है ये स्टार्ट मेन्यू के थ्रू ही हम करते हैं। तो यानी ये एक ऐसा मेन गेट है जो कंप्यूटर में एंटर होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम स्टार्ट बटन कहते हैं। ये जो डेस्कटॉप है उसके लेफ्ट साइड बॉटम पे ये बटन, पहले पुरान जो ओल्ड विंडोज थी एक्सपी तक तो उनपे तो स्टार्ट का लफ्ज भी लिखा होता था, लेकिन अब जो विंडो 8 है उस पे स्टार्ट का लफ्ज नहीं लिखा होता, बल्कि विंडो की पिक्चर बनी होती है, उस पे क्लिक करते हैं वो है वो स्टार्ट का बटन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। डेस्कटॉप कंपोनेंट्स, उसके बाद स्टार्ट बटन के बिल्कुल राइट साइड की अगर हम इस बार की बात करें जिसके ऊपर स्टार्ट का बटन है उसको हम टास्क बार कहते हैं। डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट प्रोग्राम जो हम ओपन करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, क्लोज करते हैं, जो फाइल्स ओपन कर रहे होते हैं, जो प्रिंटिंग कर रहे होते हैं, उन सब का जो इंडिकेशन होता है, जो एक्टिविटीज का जो स्टेटस होता है वो इस टास्क बार पर होता है। तो टास्क बार कंटेन अ बटन एंड आइकन ऑफ एवरी ओपन विंडो ऑन योर डेस्कटॉप। इफ यू वांट टू गेट अ न्यू विंडो दैट इज करंटली नॉट विजिबल ऑन द डेस्कटॉप बिकॉज इट इज मिनिमाइज्ड और रिकवर्ड बाय अनदर विंडोज, you can click on the bar called task bar and to customize it, and you can drag task bar to any edge of the screen. task bar ye wo bar hai jo sabse niche bottom pe aapko nazar aati hai blue color ki, iske upar start ka button left side pe hota hai, right side pe kuch indicators hote hain, ya jitni files jo aapko nazar nahi aa rahi hoti open ki hui hoti hain, jin pe working kar rahe hote hain wo isi task bar par nazar aate hain, fir resize kar sakte hain इसके एज को मूव करके, हम इसे पूरे इस टास्क बार को जो स्क्रॉल कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम के शॉर्टकट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है वो टास्क बार, जस्ट इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें, और कोई प्रोग्राम के इस टास्क बार पर लाना चाहते हैं तो वो भी हम इस टास्क बार पर उनके शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। इंडिकेटर्स की हमने बात की, टास्क बार के राइट साइड पे आपको जहाँ पे टाइम नजर आ रहा होता है वहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन नजर आ रहा होता है, वहाँ पे वाईफाई जो नेटवर्क है उसका कनेक्शन नजर आ रहा होता है, जो एंटीवायरस इंस्टॉल किए होते हैं वो नजर आ रहे होते हैं, डेट एंड टाइम नजर आ रहा होता है, वहाँ पर आपको वॉल्यूम जो है वो नजर आ रहा होता है उसका शॉर्टकट बना हुआ, तो उसको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। ये वो इशारा जात हैं जो कंप्यूटर में को इस्तेमाल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम वॉल्यूम को अप डाउन करना चाहते हैं, डेट एंड टाइम को तब्दील करना चाहते हैं, एंटीवायरस को स्टॉप और एक्टिव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये इंडिकेटर भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो टास्क बार के राइट साइड है जहाँ पर टाइम शो हो रहा होता है उसको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार डिस्प्ले द करंट टाइम एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कॉल्ड स्पीकर, आफ्टर क्लिक ऑन देम यू कैन चेंज द टाइम एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। ना सिर्फ ये डिस्प्ले आ रहा होता है बल्कि आप इनकी प्रॉपर्टीज को सेट भी कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इनके ऊपर से जो है मुख्तलिफ किस्म की जो ऑप्शंस आ रही हैं उनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो और जो प्रिंटर का स्टेटस है वो भी इसके ऊपर, जैसे आप प्रिंटिंग कर रहे हैं तो इस वक्त कितने पेज प्रिंट हो चुके हैं वो भी इसी टास्क बार पे इसी इंडिकेटर में ही आपको नजर आ रहा होता है। इंटरनेट का कनेक्शन भी आपको यहीं पर प्रोवाइड किया गया होता है। नेक्स्ट है आइकन्स ऑफ डेस्कटॉप। हमने कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप की बात की, तो डेस्कटॉप के ऊपर डेस्कटॉप वो स्क्रीन है बेसिक, जिसके जब आप कंप्यूटर ऑन करने के बाद प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर की स्क्रीन स्टिल हो जाती है और आप उसके देखते हैं मुख्तलिफ फोल्डर्स, आइकन्स, प्रोग्राम के शॉर्टकट्स जो आपको नजर आते हैं, तो उनकी अब हम बात करेंगे कि आइकन्स ऑफ डेस्कटॉप। आइकन्स आर प्लेस्ड ऑन द डेस्कटॉप टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू प्रोग्राम एंड फाइल्स। जो कंप्यूटर में मुख्तलिफ प्रोग्राम और जो इंस्टॉल किए जाते हैं उनको हम आइकन्स कहते हैं। अब ये आइकन जब प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाते हैं उनके शॉर्टकट भी डेस्कटॉप पे बन जाते हैं, छोटा सा ग्राफिक्स नजर आ रही होती है उसको डबल क्लिक करने से हम वो प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। जैसे
माई कंप्यूटर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, रिसाइकल बिन है, माई डॉक्यूमेंट्स है, या इसी तरह के और प्रोग्राम के शॉर्टकट आपने खुद बनाए होते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इन पेज, इनके शॉर्टकट भी हम क्रिएट करके डेस्कटॉप पे ताकि इजीली इनको ओपन किया जा सके, इन तक एक्सेस की जा सके. तो आई कैन वर्क प्लेस्ड ऑन द डेस्कटॉप टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू प्रोग्राम एंड फाइल्स. I can provide a quick way to start a program. I can work small icons. क्या हैं? I can work small graphical picture that represent the program. Calling are the main icons and folders of desktop. Number one, my computer, Internet Explorer, Recycle Bin, my documents, network places, Microsoft Word, Excel program shortcuts यहाँ पर मौजूद होते हैं. My computer. जैसे कि नाम से जाहिर है कि कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी मौजूद है, जो कुछ इंस्टॉल है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में मुकम्मल आगाही या व्यू करने के लिए हम माई कंप्यूटर का जो आइकन है उसका इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि ये नाम से बिल्कुल वाजे है कंप्यूटर के अंदर क्या कुछ मौजूद है, कौन से हार्डवेयर पार्ट्स हैं, उनकी कैपेसिटी, उनकी एबिलिटी, उनका वेरिएंट, उनका मॉडल, उनका साइज, ये सब कुछ. जैसे हम हार्ड डिस्क का साइज देखना चाहते हैं तो माई कंप्यूटर से, माई कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं वो भी माई कंप्यूटर से हम देख सकते हैं. तो माई कंप्यूटर इज अ टूल दैट लेट यू टू ब्राउज ऑल डिस्क दैट आर फिजिकली अटैच्ड टू योर कंप्यूटर. माई कंप्यूटर आइकन इज मेनली यूज्ड टू सी व्हाट इज अवेलेबल इन माई कंप्यूटर एंड देयर ओरिजिनल नेम. फॉर एग्जाम्पल, when we do double click on the icon of my computer, we will see the following items in the windows. So, my computer mein hum ye dekhna chahte hain, isko double click karte hain, iske andar kya kuch maujood hai. Jab hum my computer ke icon pe double click karte hain to hum niche dekhte hain C, D, E, F, ye drive nazar aa rahi hoti hai, floppy drive nazar aa rahi hoti hai, control panel nazar aa raha hota hai, jo printer install hai wo nazar aa rahe hote hain. To inme se kisi ke andar ko bhi hum browse karke mazid kisi ke depth mein jana chahte hain. CDE, ये हार्ड डिस्क ड्राइव जिसके ऊपर डाटा परमानेंटली स्टोर करते हैं, उसकी पार्टीशन से जो हमें नजर आ रही होती है. कंट्रोल पैनल जितने भी, ये ऐसा इंजन रूम है कंप्यूटर का जिसके अंदर हम मुख्य जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इंटरनेट, ओरिजिनल सेटिंग, टाइम्स, इस तरह की ऑप्शन की जो है वो इंजीनियरिंग करते हैं, उनके उनकी सेटिंग करते हैं, उनके अंदर कोई चेंजिंग लाना चाहते हैं तो वो हम कंट्रोल पैनल से करते हैं. इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे कि नाम से जाहिर है इंटरनेट पे मुख्तलिफ एक्सप्लोर करने के लिए, ब्राउजिंग करने के लिए, वेबसाइट्स ओपन करने के लिए, मुख्तलिफ जो इंटरनेट की फाइल है उनको ओपन करने के लिए हम इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो ब्राउजर को इस्तेमाल करते हैं. तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इज यूज टू व्यू द पेजेस दैट आर प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनेट पर्पस. द पेजेस आर कलर्ड एंड रिटन इन स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड HTML. इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन दीज पेजेस. इंटरनेट पर डिफरेंट पेजेस या वेबसाइट्स बनाने के लिए, वेब पेजेस डिजाइन करने के लिए जो बेसिक लैंग्वेज है उसे हम HTML कहते हैं. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो इंटरनेट के ऊपर पेजेस ओपन होते हैं वो इस लैंग्वेज में तैयार किए जाते हैं, उनका कोड इसी HTML लैंग्वेज में लिखा जाता है और उनको व्यू करने के लिए हम इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करते हैं. यानी वेबसाइट्स को ओपन करना हो, व्यू करना हो, वेब पेजेस को व्यू करना हो तो हम इस इंटरनेट एक्सप्लोरर को इस्तेमाल करते हैं. रिसाइकल बिन, आप इससे बाखूबी वाकिफ होंगे. रिसाइकल बिन, जब हम मुख्य किस्म की फाइल्स को डिलीट कर देते हैं, प्रोग्राम को डिलीट कर देते हैं तो वो टेम्परेरीली जाकर रिसाइकल बिन में फिर स्टोर हो जाते हैं. जब तक हम वहाँ से उन्हें क्लियर नहीं करेंगे उस वक्त तक ये रिसाइकल बिन से जो है वो डाटा मौजूद रहता है, ये डिलीट नहीं होता. When we delete files from our local hard disk, that is drive C, these deleted files are moved to a place called the recycle bin. Although they are invisible from outside the recycle bin, those files still occupy as much disk space as they did before you delete them. Recycle bin जो है वो एक ऐसे bin है जिसके अंदर जो data files हम delete करते हैं वो ऑटोमेटिकली जाकर स्टोर हो जाती हैं और जब तक हम रिसाइकल बिन से डिलीट नहीं करते इनको रिकवर नहीं किया जा सकता. अलबत्ता रिसाइकल बिन से हम जो डाटा कह रहा हूँ, जो फाइल्स हम डिलीट करते हैं वो इसके अंदर स्टोर होते हैं, उन्हें हम रीस्टोर करवा सकते हैं.
next a recycle bin make, the space would not become available until you empty the recycle bin. के उस वक्त तक कंप्यूटर की जो स्पेस है वो खाली नहीं हो सकती जब तक आप रिसाइकल बिन को भी एम्प्टी नहीं कर देते, वहां से भी डेटा को क्लियर नहीं करते, डिलीट नहीं कर देते, उस वक्त तक वो जो फाइल्स होती हैं वो आपको पाई रखती हैं हार्ड डिस्क स्पेस को। तो इसका तरीका ये रिसाइकल बिन को डबल क्लिक करें, वहां से आप रिस्टोर करना चाहते हैं कि फाइल्स जो डिलीट की वो वापस आ जाए तो भी आप कर सकते हैं, या फिर ऐसी फाइल्स जिनको आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो उनको भी हम यहाँ से एम्प्टी रिसाइकल बिन के ऑप्शन को इस्तेमाल करके एम्प्टी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोल्डर। हमने अभी आइकन्स की बात की जिनके ऊपर छोटा सा पिक्चर भी बनी होती है, उनके पीछे कोई प्रोग्राम होते हैं जिनको ओपन किया जा सकता है। तो अब फोल्डर क्या है, ये वो येलो कलर का एक एनवेलप सा बना होता है, ये वो डायरेक्टरीज होती हैं, कैबिनेट होती हैं जिनके अंदर हम अपने फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, अपना डाटा अपनी मर्जी से इन फोल्डर्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और ये फोल्डर हम खुद क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। विंडोज ऑटोमेटिकली फोल्डर आपके लिए क्रिएट करती है, उसका नाम है माई डॉक्यूमेंट्स। तो माई डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड जो है वो फोल्डर होता है। आप जब अपना डाटा अपनी फाइल स्टोर करते हैं और उसको लोकेशन प्रॉपरली नहीं बताते और कंट्रोल एस करके फाइल का नाम देके स्टोर कर देते हैं तो वो जाकर माई डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में स्टोर हो जाती है। माई डॉक्यूमेंट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है उसी वक्त ये भी क्रिएट हो जाता है। ये सी के ऊपर माई डॉक्यूमेंट्स के नाम से ये फोल्डर क्रिएट होता है। फोल्डर की डेफिनेशन अगर हम करें तो फोल्डर इज जस्ट सिमिलर टू अ डायरेक्टरी cabinet which can have many program data and other directory folder files. Many folders are created automatically when you install new program. If you will double click on the icon for C, a new window would be open showing me the name of the folder on the drive. One thing that makes the folder different from drive or a file is that the folder contains other folders. फोल्डर के अंदर और दूसरे जो हमारी ड्राइव हैं उनमें फ़र्क ये है कि फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट किया जा सकता है जबकि दूसरे जो ड्राइव्स हैं उनके अंदर मजीद ड्राइव हम नहीं बना सकते। या दूसरे जो आपको ग्राफिक्स नज़र आ रहे होते हैं, जो आइकन्स नज़र आ रहे होते हैं, उनके अंदर फर्दर आइकन्स हम क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, फोल्डर हमारी ऑप्शन पर डिपेंड करता है, वो डायरेक्टरीज होती हैं, वो हमारी ऐसी लोकेशन हम सेट कर रहे होते हैं जिनको हमने अपने फाइल्स अपने डाटा के लिए स्टोर करना होता है। तो माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर को क्रिएट करने का आसान सा तरीका है, राइट क्लिक करें, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से न्यू पे क्लिक करें और साथ में न्यू फोल्डर की ऑप्शन आएगी, उस पर क्लिक कर देंगे तो न्यू फोल्डर के नाम से फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। आप उसे राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं, उसे अपना खुद से एक नाम दे सकते हैं उस फोल्डर। माई डॉक्यूमेंट्स ये वो ऑटोमेटिकली विंडो की तरफ से क्रिएटेड फोल्डर होता है जिसमें इतनी फाइल्स को जब हम खुद से उनको लोकेशन ना दें तो ऑटोमेटिकली फाइल्स इसके अंदर स्टोर हो गई होती हैं। तो माई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड एक्सेस टू फाइल दैट यू क्रिएट एंड सेव बाई स्टोरिंग ऑफ ऑल योर डॉक्यूमेंट्स इन सेंट्रल लोकेशन। यू यूज मैनी डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, इट इज वेरी गुड आइडिया ऑफ स्टोरिंग फाइल्स at one place because you can take backup easily all the files in a central location. Windows XP Professional does not force you to use My Document folder for storing, although My Document folder is created automatically. In most ways, it is standard Windows XP Professional folder. My Documents वो folder है जिनमें आप अपनी files create करते हैं, store करते हैं और बैकअप रखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप इसी सेंट्रल लोकेशन को इस्तेमाल करें क्योंकि इसके ऊपर डाटा स्टोर करना डेंजरस हो सकता है, जब विंडो करप्ट हो जाती है आप री इंस्टॉल करते हैं तो माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो डाटा उसे स्टोर नहीं कर सकते आप। जब इंस्टॉलेशन हो रही होती है तो उस वक्त सारा डाटा डिलीट करना पड़ता है आपको, तो इसलिए आपको तो बेहतरीन आइडिया ये है कि आप दूसरी पार्टीशन जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के एनवायरनमेंट में जैसे हार्ड डिस्क की डी ई एफ है उनके ऊपर आप फोल्डर क्रिएट करके अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी फाइल्स को स्टोर करें। माई डॉक्यूमेंट्स ये जो सेंट्रल लोकेशन है इसे कतई तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये बार बार डाटा लॉस्ट होने का खदशा होता है। स्टूडेंट आज हमने बात की माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जो डेस्कटॉप है उस पे फोल्डर आइकन और कंपोनेंट्स की। तो उम्मीद है आप ये टॉपिक अंडरस्टैंड कर लिया होगा।
इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, व्हाट इज कंट्रोल पैनल एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल पैनल। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।